हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के मॉडल पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण दीर्घ प्रकृति के प्रश्न, और साथ ही साथ में दोस्तों 10 प्रश्न हम देखेंगे लघुत्तरी प्रकृति के। ठीक है, तो 15 और 10 25 क्वेश्चन होते हैं वैसे तो। बेसिकली जो पूरा आज का जो सिलेबस हमारा है वो 15 प्रश्नों पर ही निर्भर करता है। 15 प्रश्न भी दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए निकाल कर लाए हैं, काफी एनालाइज के बाद में निकाल के लाए हैं। ऐसा नहीं कि बस उठा करके और कोई से भी प्रश्न को रख दिया। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले और अधिकतम आने की संभावनाओं वाले, और इस चीज का प्रमाण आप ऐसे भी लगा सकते हो दोस्तों कि अभी तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ईयर में हमारे द्वारा जो भी मॉडल पेपर दिए गए हैं एक भी प्रश्न एग्जाम में आउट नहीं हुआ दोस्तों। अर्थात कि एग्जाम में आपको उसी में से, जैसे 10 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो 5 क्वेश्चन उसमें से 100% आपको 10 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं, तो पांचों प्रश्न आपको इसी मॉडल पेपर से मिले हैं। ठीक है ना, तो बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भी हम पॉलिटिकल साइंस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। 3 मॉडल पेपर अभी कंटिन्यूअसली आएंगे आपके सामने, माइक्रो इकोनॉमी का जो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा एक और आने वाला है दोस्तों ज्योग्राफी का अर्थात समाजशास्त्र का आने वाला है। आपका ना ज्योग्राफी बोल दिया मैंने, एक समाजशास्त्र का आने वाला है, सोशोलॉजी, उसके बाद में एक एशियंट हिस्ट्री का भी आने वाला है। ठीक है ना, तो इनको भी कंटिन्यूअसली कर लेंगे दोस्तों। अभी आज आपको 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे, एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी और साथ में एक सोशोलॉजी, दोनों का मिल जाएगा। एक्चुअली पीपीटी इन दोनों की तैयार हो चुकी है, तो इसमें हमें लेक्चर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको है ना इसके कंटिन्यूअसली मुश्किल से 1 घंटे बाद ही आपको सोशोलॉजी का भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक एक करके सभी प्रश्नों को 15 प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं, कहीं पर कोई उलझन तो नहीं है। उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करने के बाद में हम जो है लास्ट में 10 प्रश्न जो है दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न, माफ करना, अति लघु उत्तरी प्रश्न प्रकृति के देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को इसमें दोस्तों इग्नोर ना करें, सभी प्रश्नों पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज की सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए तथा इसका क्षेत्र बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था दोस्तों यही था, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थात की अर्थशास्त्र का अर्थ समझाते हुए इसके स्रोत वगैरह, इन पर बात हमें करनी है, इसके क्षेत्र पर चर्चा करनी है। इसी प्रश्न को अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र ना केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है। ठीक है, उपर्युक्त कथन की विवेचना दीजिए। ठीक है ना, बाकी आप दोस्तों खुद समझ सकते हैं, इसको खुद एनालाइज कर सकते हैं। हम इसको एनालाइज सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि इन प्रश्नों के अंदर अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी हो जो हमारी समझ से बाहर हो तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, बाकी जो इस आसान क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, उनको तो आप स्वयं भी उसको कवर कर सकते हैं। इसी के अथवा में है अर्थशास्त्र के क्षेत्र व प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इस पूरे प्रश्न, इस तीनों प्रश्नों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, आपकी क्षेत्र। ठीक है, एक चीज कॉमन आती है आपकी क्षेत्र, और इसी के साथ में जो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री अर्थात इसका अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति पर चर्चा करनी है। इस प्रश्न की अर्थात की अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है उस पर बात करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझाइए। कौन कौन से अर्थशास्त्र को? सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझाइए। डिटेल क्लासेस में इनको कवर किया है हमने, और हालांकि हम मानते हैं दोस्तों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अभी कुछ विशेष लेक्चर नहीं हो पाए हैं, लेकिन जी हाँ इसी वीक में इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो अगस्त में होने वाला है, तो अगस्त वाले तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, इस सब्जेक्ट को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी मंथ में। इसी मंथ मतलब जुलाई के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सकारात्मक जिसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और एक आदर्शात्मक जिसे हम मानक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसके अर्थ इसको समझाना है अर्थात इन दोनों का अर्थ बताना है। इसी प्रश्न को अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक सकारात्मक अर्थात आदर्श विज्ञान दोनों है, विवेचना कीजिए। कहने का अर्थ है कि अर्थशास्त्र वास्तविक भी है और आदर्श विज्ञान भी है, दोनों है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यहां पर बताना है, तो इस नियम के प्रमुख
अपवादों की व्याख्या कीजिए। तो मांग का नियम बताना है, मांग का नियम क्या है और इस नियम के जो प्रमुख अपवाद है अर्थात जो समस्या है उन पर डिस्कस करना है। इसी के अथवा में प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग की रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है, कारण बताना है। उन परिस्थितियों को बताइए, ठीक है ना, वो परिस्थितियां मतलब कारण, जिन कारणों की वजह से मांग की रेखाएं दाएं को नीचे की ओर झुकती है, उन कारणों पर बात करनी है। और वो मांग की रेखाएं ऊपर की ओर चढ़ती है वो परिस्थितियां भी हमको बतानी है, अर्थात कि जिसमें दोनों चीज बतानी है कि रेखाएं नीचे की ओर क्यों गिरती है उनका कारण बताना है। इसके बाद में उन रेखाओं को वापस ऊपर किस प्रकार चला जा सकता है, अर्थात मांग की डिमांड को कैसे क्रिएट किया जा सके, उन परिस्थितियों का भी हमें वर्णन करना है। मतलब इसमें हमें कुछ सीमा तक हमें अपने सुझाव भी इसमें इंक्लूड करने हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में अंतर बताना है आपको। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, देखिए दोस्तों अगर आपने अभी तक माइक्रो इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सामान्य टर्मिनोलॉजी है इनकी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, ये सामान्य सी टर्मिनोलॉजी है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है और ये सिद्ध कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये आपको बताना है। और ये जो सूत्र है, जो नियम है, ये वास्तविक नियम है कि जब भी सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाएगी तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होगी, ठीक है। चलिए इसी को अथवा में इस प्रकार भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंधों को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए। अब इसमें चित्र का देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की प्रकृति को समझने का प्रयास करें, आप लोग क्वेश्चन की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। सेम टू सेम क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जी हाँ क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको। तो देखिए उपयोगिता हास नियम, अब जो उपयोगिता हास नियम है इसको पूरा कंप्लीट करना है आपको इस प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसको रेखा चित्र के अंतर्गत भी रेखा चित्र की सहायता से भी समझाने का बोल सकता है वो एग्जाम में, या फिर सामान्य तरीके से भी आप इसको समझा सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके प्रश्न की प्रकृति पर कि आपसे पूछा क्या गया है, लेकिन अगर आपको उपयोगिता का हास नियम बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रश्न को अथवा में एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि घटती हुई उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। उपयोगिता उपयोगिता मतलब घटती हुई उपयोगिता की और इस नियम की मान्यताएं कौन कौन सी है ये बताइए। अथवा जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग या क्रय किया जाता है, वैसे वैसे कुल उपयोगिता अंत में घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ जाती है, विवेचना कीजिए। इन तीनों का एक ही उत्तर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, तटस्थता वक्र क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाना है। तो तटस्थता वक्र के बारे में बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, अर्थात इसमें आपको तटस्थता वक्र का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की बात करनी है। अथवा में उदासीन वक्रों से आप क्या समझते हैं, अब ये उदासीन, अब देखिए यहाँ पर अब ऐसी टर्मिनोलॉजियों में आप उलझ जाते हैं। यहाँ पर आप पढ़कर गए तटस्था वक्र, ये सब तटस्था वक्र क्या होता है अब ये आपको पता है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर ने इन शब्दों को घुमा दिया, अर्थात इनके सामान्य एक जैसे अर्थ का एक अलग शब्द उठाकर ले आया, टर्मिनोलॉजी उठाकर ले आया कि उदासीन वक्र शब्द के सामने। तो अब यहां पर अब आपका दिमाग चकरा जाएगा कि सर ये क्या हो गया, हमने तो तटस्था वक्र पढ़ा था, ये उदासीन वक्र कहां से आ गए। तो दोस्तों तटस्था वक्र और उदासीन वक्र एक ही होते हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसका अर्थ बताना है, साथ में इनकी विशेषताओं को बताइए, विशेषताओं को बताइए, अर्थात कि ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले दोनों सेम हो गए। अर्थशास्त्र में उनके विभिन्न उपायों उपयोगों की विवेचना कीजिए, तटस्था वक्र का अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, इस पर भी आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की व्याख्या करना है, इसके सिद्धांतिक व व्यवहारिक महत्व को समझाना है। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत पूछा गया है। तो ये टर्म अगर आप पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी ये सिद्धांतिक और व्यवहारिक ये सब महत्व वगैरह आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रश्न का अथवा में पूछा जा सकता है, उपभोक्ता की बचत की आलोचनात्मक व्याख्या करें,
करनी है। उपभोक्ता जो बचत करता है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, अर्थात वही की उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अब साथ में इसमें जो है इसकी आलोचना को भी जोड़ दिया गया है, इसको कैसे मापा जा सकता है ये भी बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। उत्पादन फलन, देखिए दोस्तों नई नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस इन टर्मिनोलॉजियों को क्लियर करते हुए चले, टॉपिक को क्लियर करते हुए चले, किसी भी टर्मिनोलॉजी में कभी नहीं उलझोग है, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर एग्जाम में आप शॉर्टकट को अपनाते हो तो फ्यूचर में अपने करियर को लेकर के दोस्तों कोई शॉर्टकट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको रियल जीवन में कोई शॉर्टकट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये शॉर्टकट वाली जो आदत है, जो हैबिट है हमारी, इसको यहीं पर त्याग दीजिए। बीए कर रहे हैं आप, बीए कर रहे हैं दोस्तों, अब आप कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हैं, अब इसमें शॉर्टकट वाली चीजें छोड़ दीजिए और अब यहाँ पर आप पूरा जो टॉपिक दिया गया उस पूरे टॉपिक को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो कंफ्यूजन आपके दिमाग से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, कभी दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो उत्पादन फलन को समझाना है, साथ ही साथ में उत्पादन फलन की विशेषताओं को भी बताना है, इनकी विशेषताएं क्या है, साथ में अल्प एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, क्या क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, इन दोनों में अंतर बताना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसी के अथवा में है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने के उत्पादन से आप क्या समझते हैं, बड़े पैमाने के उत्पादन से क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानियां बताइए, लाभ और हानियां बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने के उत्पादन फलन की आंतरिक व बाहरी बचतों का वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में ही बड़े पैमाने की आंतरिक और बाहरी बचतों के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और साथ में बामे है विभिन्न प्रकार की आंतरिक बचतों को समझाइए। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर देखा आपने बड़े पैमाने के उत्पादन फलन का अर्थ यहाँ पर बताना है आपको, साथ में लाभ और हानियां बतानी है, ठीक है ना। अब इसको अथवा में थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक और बाहरी बचतों के बारे में बताना है, कौन कौन सी आंतरिक बचते और बाहरी बचते, तो बड़े पैमाने की जो आंतरिक और बाहरी बचतों के बीच में अंतर बताइए, साथ ही साथ में पूछा गया है विभिन्न प्रकार की आंतरिक बचतों को समझाइए, तो इसके अंतर्गत आपको बड़े पैमाने की आंतरिक बचत और बाहरी बचत दोनों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार को परिभाषित कीजिए, विभिन्न आधारों पर बाजार का वर्गीकरण समझाइए। अथवा में इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि बाजार के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है, बाजार शब्द की परिभाषा दीजिए तथा उसके वर्गीकरण को पूर्णतः समझाइए। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा घुमा हुआ नहीं है, जहां पर आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता हो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाजार का अर्थ देते हुए उसकी परिभाषा बतानी है, साथ में उसके आधारों पर चर्चा करनी है, आधारों के साथ में बाजार का जो वर्गीकरण अर्थात बाजार को किस किस प्रकार से अलग अलग वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की का अर्थ और परिभाषा देते हुए आपको इसमें आगे बढ़ना है, साथ में पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें बतानी है कि किन शर्तों पर आधारित है, अर्थात कि कौन कौन सी शर्तें लागू होगी उसके बाद ही पूर्ण प्रतियोगिता बन सकती है, कोई भी प्रतियोगिता, क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है, क्या एक कल्पना है, इसमें आपके विचार पूछे गए हैं, लेकिन पूरी तरह से आपके विचार कोरे विचार नहीं पूछे गए दोस्तों, बल्कि आपको पुस्तक में पढ़ने को मिल जाएंगे, क्या अधिकतम विद्वानों ने पूर्ण प्रतियोगिता को कल्पना माना है या नहीं माना है, उन सब वजह को आपको कारणों को समझाना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा इसी के अथवा में देखने को मिलेगा, पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है, क्या आप इससे सहमत है, अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है, आपको समझाना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जहां हम बात करते हैं ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, बल्कि बाजार में इस प्रकार की प्रतियोगिता नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इससे पहले हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 11 में पूर्ण प्रतियोगिता की, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता इसका अर्थ बताना है, साथ में इसकी विशेषताएं। इसी के अथवा में हम जो है इस प्रश्न को इस प्रकार भी देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं,
पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारक प्रतियोगिता में सामान्यतः समान ही इसका अर्थ होता है। इसी के अथवा में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है। स्पष्ट कीजिए, यहां पर आपको बताना है कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है वो अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है। न्यूनतम मतलब बिल्कुल न्यूनतम से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें कि नगद मजदूरी व वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर है। नगद मजदूरी को बताते हुए आपको वास्तविक मजदूरी पर अध्ययन करना है, साथ में वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नगद एवं असल या वास्तविक मजदूरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या हुआ कि मौद्रिक एवं नगद, मौद्रिक को हम नगद बोलते हैं, मौद्रिक मौद्रिक समझते हो ना, मुद्रा मुद्रा समझते हो ना, तो मौद्रिक अर्थात नगद और असल अर्थात वास्तविक, इन दोनों प्रकार की मजदूरियों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये समझाना है आपको। साथ में असल मजदूरी के कौन कौन से निर्धारक तत्व है इनके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट है इसी के अथवा में नकद और वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर है, अंतर बताते हुए उनके तत्वों की विवेचना करनी है, तत्वों की विवेचना करनी है जो वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। क्या है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत अर्थात कि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत के संबंध में कौन कौन से अपने पक्ष जो है प्रस्तुत किए हैं, उनकी आलोचना के साथ में उनका वर्णन करना है, अर्थात अंत में आपको आलोचना भी देनी है। और इस अगर जहां पर आलोचना का हम प्रयोग करते हैं वहां पर प्रश्न में निष्कर्ष देना अति आवश्यक हो जाता है। इसी को अथवा में पूछा जा सकता है लगान भूमि की मूल अविनाशी शक्तियों के लिए भुगतान है, लगान भूमि की मूल अविनाशी शक्तियों के लिए भुगतान है, समझाइए या रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो स्वामी को भूमि की मौलिक अथवा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, समझाइए। तो इनका लगभग सभी का एक जैसा ही अर्थात एक ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो आपको यहाँ पर भी एक सिद्धांत का वर्णन करना है, किन्स के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जो ब्याज की तरलता से संबंधित था, उसकी यहाँ पर आपको सिद्धांत की व्याख्या करनी है, साथ में उसकी आलोचना भी करनी है। क्या ब्याज की दर कभी शून्य हो सकती है, समझाना है आपको। इसी का अथवा में है किन्स के ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा में ब्याज एक मौद्रिक घटना है, इस कथन के संदर्भ में ब्याज के द्रव्यता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 15 प्रश्न माइक्रो इकोनॉमी से संबंधित आपको भलीभांति रूप से समझ आ चुके होंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जिनसे जो कि एग्जाम में जिनके आने की पूर्ण संभावनाएं प्रतिवर्ष रहती है, पूर्ण संभावना प्रतिवर्ष रहती है। इन 15 अगर किसी दोस्त ने अभी भी कंप्लीट अर्थात पूरा अगर माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुकी है दोस्तों, तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको इतना बोल सकता हूं कि आप लोग जो 15 मैंने आपको मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इन 15 प्रश्नों पर भी आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पर आप करके नहीं आ पाएंगे, लगभग आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ पार्ट है दोस्तों जो कि अति लघुतरी प्रकृति का है, जहां पर शॉर्ट प्रकृति में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे 10 प्रश्नों पर भी हमें टिप्पणी करना है जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जरा उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों शॉर्ट प्रकृति के प्रश्नों पर। शॉर्ट प्रकृति के प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है टिप्पणी कीजिए, किस किस पर टिप्पणी करना है दोस्तों। यहाँ पर 3 टर्मोलॉजी दी गई है, उपयोगिता, मांग एवं पूर्ति पर आपको टिप्पणी करना, अर्थात तीनों टर्म अलग अलग है, याद रखिएगा, उपयोगिता अलग है, मांग अलग है और पूर्ति अलग है, तीनों पर आपको टिप्पणी करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं, निजी वस्तु और उत्कृष्ट वस्तुएं।
सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं और उत्कृष्ट वस्तुएं, दोस्तों ये एक साथ देने का मेरा प्रयास ये रहा है, इनको एक साथ टिप्पणी करने का मैंने इसलिए बोला यहाँ पर आपसे। अगर आप जैसे कि फर्स्ट में हम देख रहे हैं उपयोगिता, मांग और पूर्ति, अगर तीनों पे एक साथ यहाँ टिप्पणी करोगे आप, तो आप इनके बीच में अंतर निकालना भी सीख जाओगे। और जब अगर अंतर निकालना सीख जाओगे तो आप प्रश्न की, आपके प्रश्न पत्र की प्रकृति देख ही रहे हैं, अधिकतम प्रश्न जो आते हैं वो अंतर, विशेष अंतर निकालने पर फोकस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से इन टर्मिनोलॉजियों को मैंने संयुक्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे सेकेंड में है सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है, समझाना है आपको, निजी वस्तुएं और उत्कृष्ट वस्तुएं, इन तीनों पर आपको शॉर्ट में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गिफिन वस्तुएं क्या होती है, गिफिन वस्तुएं क्या होती है उन पर भी आपको टिप्पणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी कीजिए कुल उत्पादन लागत पर, औसत लागत पर या सीमांत लागत पर। तो जो तीन प्रकार की लागत होती है तीनों पर आपको यहाँ शॉर्ट में टिप्पणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण कीजिए, यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर आपको बाजार के बारे में समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता के कितने प्रकार होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे दोस्तों हम यहां पर, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि अगर हमने आपको हिंट दी है, जैसे हमने बोला है कि आपसे कि यहां पर आप अपूर्ण प्रतियोगिता पर जो है एक शॉर्ट टिप्पणी तैयार करेंगे या उनके प्रकारों का चर्चा करेंगे, तो आपका दायित्व बनता है कि आप इसके पूर्ण प्रतियोगिता पर भी चर्चा कर ले, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ भी आप इसमें समझ लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समोत्पाद वक्र क्या होता है, इसको समझाना है। समोत्पाद, समोत्पाद अर्थात समान उत्पादों वाला वक्र क्या है, इस पर आपको एक शॉर्ट में टिप्पणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी के मांग पूर्ति का सिद्धांत समझाइए, मजदूरी के मांग पूर्ति का सिद्धांत समझाइए। नेक्स्ट है लाभ का जोखिम सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, लाभ का जोखिम सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है, उसका सामान्य परिचय दीजिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है उसका सामान्य परिचय दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थात माइक्रो इकोनॉमी का ये मॉडल पेपर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में हम तुरंत अभी ही कंटिन्यूअसली दोस्तों हम नेक्स्ट मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं सोशोलॉजी का। जिन मेरे प्यारे दोस्तों का अभी तक सोशोलॉजी का पेपर नहीं हुआ है और जिनके एग्जाम आ चुके हैं वो भी जल्दी से इस शॉर्ट पेपर को, जो मॉडल पेपर आ रहा है जस्ट आधे घंटे में दोस्तों वो भी अपलोड हो जाएगा सोशोलॉजी का भी। और अगर किसी दोस्त को मिलने ये लेक्चर मिलने प्रॉब्लम आ रही है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के सभी मॉडल पेपर, सभी विषय के मॉडल पेपर अलग अलग अर्थात पृथक रूप से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट पेपर में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।